नमस्कार, निकोबार डांस में आपका स्वागत है। डॉलीगंज के एक सैलून ओनर को एक फ्रॉडस्टर ने हाल ही में 13,500 रुपये का चूना लगाया और ये काफ़ी इनोवेटिव तरीके से इस फ्रॉडस्टर ने डॉलीगंज के सैलून ओनर से जो है पैसे लूटे। इससे पहले कि हम इस न्यूज स्टोरी को आगे बढ़ाएं, हमारे आज के इस न्यूज स्टोरी के स्पॉन्सर निडेजा प्रॉपर्टीज का ये कमर्शियल आप देखिए। निडेजा प्रॉपर्टीज हेवलॉक आइलैंड में आपके लिए 200 से 300 स्क्वायर मीटर्स के प्लॉट्स लेकर आए हैं। ये हिली लैंड क्लासिफिकेशन के प्लॉट्स हेवलॉक के गोविंद नगर मार्केट से बस 600 मीटर दूर हैं। अंडमान द्वीप समूह के निवासियों को प्लॉट्स की खरीदी पर 100% कैशबैक शॉपिंग पॉइंट्स भी मिलेगा। ये कैशबैक शॉपिंग पॉइंट्स आप अगले 10 साल में टूर पैकेजेस, कपड़े, दवाइयाँ, फुटवियर, मेनलैंड में एम्पेनल्ड अस्पताल के खर्च और अन्य निर्धारित प्रोडक्ट्स पे रिडीम कर सकते हैं। इस शानदार ऑफर के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आज ही इस नंबर पर कॉल करें या निडेजा प्रॉपर्टीज के फोनिक्स पे पोर्ट ब्लेयर स्थित ऑफिस विजिट करें। तो डॉलीगंज के सैलून ओनर को 3 जुलाई 2024 को एक कॉल आता है एक सोनिया नामक औरत का, और ये औरत ने इनको कॉल करके बोला कि इनको एक अपॉइंटमेंट बुक करना है इनके सैलून में और इनको कुछ हेयर स्टाइल के पिक्चर्स भेजे कि मुझे इस तरह का हेयर स्टाइल करवाना है, और इनसे रिक्वेस्ट किया कि उनको जो है 10 जुलाई का एक अपॉइंटमेंट दे दिया जाए 1 बजे का अपना हेयर स्टाइल करवाने के लिए। तो और इनसे ये भी पूछा गया सैलून ओनर से उस फ्रॉडस्टर द्वारा कि क्या ये कोई एडवांस पेमेंट उनको कर सकते हैं कि नहीं। तो सैलून ओनर ने उनको कहा कि एडवांस पेमेंट उनका चॉइस है, वो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। और कुछ ही देर बाद उनको जीपे में एक नोटिफिकेशन आता है गूगल पे में कि 15,000 रुपये उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। और कुछ ही देर बाद उनको जो है ये सोनिया नामक जो फ्रॉडस्टर है वो इनको कॉल करती है और कहती है कि 1,500 की जगह इन्होंने गलती से 15,000 रुपये जो है सैलून ओनर को भेज दिया है और रिक्वेस्ट करती है कि 13,500 रुपये जो है उनको वापस दे दिया जाए। तो सैलून ओनर बिना अपना बैलेंस चेक करे, बिना वेरीफाई करे 13,500 रुपए जो है वो सोनिया नामक उस फ्रॉडस्टर को जीपे से भेज देते हैं। उसके बाद फिर कुछ देर बाद एक 22,000 रुपए सैलून ओनर के अकाउंट में क्रेडिट होने का इनको फिर से जो है एक नोटिफिकेशन आता है जीपे में, और इस बार फिर से सोनिया नामक ये जो फ्रॉडस्टर है ये फिर से इनको कहती है कि इन्होंने फिर से 22,000 रुपए गलती से उनके अकाउंट में डाल दिया तो वो वापस कर दो। इस पॉइंट पे जो है सैलून ओनर सस्पिशियस हो जाता है और उसके बाद चेक करता है और रियलाइज करता है कि उनके साथ एक फ्रॉड हो गया है। तो अब ये फ्रॉड कैसे कंडक्ट किया गया, इससे पहले भी मैंने इस तरह के फ्रॉड के बारे में सुना है जो कि अंडमान निकोबार के और एक बिजनेस ओनर के साथ होते होते बचा। ये फ्रॉड कैसे होता है, ये फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, जीपे में जब भी आपको कोई पेमेंट करता है तो एक नोटिफिकेशन आता है, तो ये लोग क्या करते हैं, जीपे में आप जानते हैं कि मैसेजिंग का ऑप्शन भी है, सेम जिस तरह पेमेंट आता है वैसे ही फॉर्मेट में ये लोग लिख देते हैं कि 15,000 क्रेडिटेड या जो भी उसका फॉर्मेट होता है जीपे का, उसमें लोग लिख के मैसेज सेंड कर देते हैं। और क्योंकि लोग जो है ठीक से चेक नहीं करते तो उनको लगता है कि ये सच में ये पैसा उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो आगे से जब भी कोई आपको फोन करे और ये बोले कि उन्होंने गलती से आपके अकाउंट में पैसा चढ़ा दिया और उस पैसे को वापस कर दे, तो एक बार जरूर अपना बैलेंस चेक करें, चाहे आप अपने बैंक के ऐप में अपना बैलेंस चेक करें या जीपे में ही बैलेंस का जो ऑप्शन है वहां पर जाकर अपना बैलेंस जरूर चेक कर लें, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड जो है वो काफी बढ़ गए हैं और ये फ्रॉड जो है ये स्पेसिफिकली बिजनेस ओनर्स को टारगेट करके किया जाता है और काफी जो है एडवांस लेवल का फ्रॉड है। क्योंकि जो रेस्टोरेंट ओनर्स है उनको कॉल करके कहा जाता है कि मुझे जो है 6 बिरयानी पार्सल चाहिए या 5 बिरयानी पार्सल चाहिए या कोई और आइटम पार्सल चाहिए, और उनको कहा जाता है कि मैं आपको पैसे जीपे कर रहा हूँ और कोई और आके आपसे कलेक्ट कर लेगा ये बिरयानी, फिर ज्यादा पैसा जीपे कर दिया जाता है, फिर उनको कहा जाता है कि वापस पैसा भेजो क्योंकि ज्यादा पैसा मैंने भेज दिया है। इस तरह के काफी फ्रॉड्स अलग अलग बिजनेसेस के साथ होते हैं। इस बार डॉलीगंज के एक सैलून ओनर के साथ ये हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है, तो आप भी सतर्क रहिए और जब भी आपको कोई बोलता है कि आपको गलती से पैसे भेज दिए हैं तो बैलेंस जरूर चेक करें, अगर बैलेंस क्रेडिट हुआ है तभी उनके पैसे वापस करें, नहीं तो सिर्फ नोटिफिकेशन के भरोसे पैसे वापस ना करें, क्योंकि ये लोग फेक नोटिफिकेशंस बनाते हैं, जो मैसेजिंग का ऑप्शन है
उसमें जाकर बस लिख देते हैं और सेंड कर देते हैं, और कई लोग जो है धोखा खा जाते हैं इससे। तो जरूर इन सब चीजों का ध्यान रखें ताकि आपके साथ इस तरह का फ्रॉड ना हो।